मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का स्टेटस मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि गाइस आप लोगों के कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह का कमाल का वीडियो बनाने के लिए पावर मिलता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड दोस्तों जिस टाइप का आपने स्टेटस देखा, इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है गाइस अलाइट मोशन। यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको इसका मोड वर्जन चाहिए जिसे वाटर मारना है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीना है, आप जाकर वहाँ से ले सकते हैं। एंड दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एक लिंक, जिस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको क्रोम ब्राउज़र में लेकर जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट आपका है मेरा, आप लोगों के सपोर्ट से गाइज हमने एक वेबसाइट भी क्रिएट कर लिया है। तो आपको सारा फाइल जैसे पहले आप डाउनलोड करते थे वैसे ही आपका करना है, सेम प्रोसेस। जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिस पर ऑल मटेरियल लिखा रहेगा, तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह कुछ वेबसाइट खुल के आ जाएगा। उसके बाद गाइज स्क्रॉल करके आप नीचे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल करके आपको नीचे आना। और जैसे आप यहाँ पर आपको आप देखते थे वहाँ पर बीट मार्क प्रोजेक्ट सैक इफेक्ट दिस वीडियो स्टेटस बीट मार्क प्रोजेक्ट सब आपको सेम टू सेम वही मिलने वाला है दोस्तों। आप यहाँ से विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद गाइस आपको इसको बीट मार्क प्रोजेक्ट सैक इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना अपने अलाइट मोशन में, ठीक है। दोस्तों अलाइट मोशन में इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको आ जाना है अपने प्रोजेक्ट फाइल में। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा न्यू बीट मार्क प्रोजेक्ट, यहाँ पर गाइस आपको देख लेना है, ठीक है। सभी जगह पर बीट है, सभी जगह पर आपको बीट के हिसाब से फोटो को ऐड कर देना है। दोस्तों फोटो ऐड करने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना और मीडिया पे जाना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉक्स, बॉक्स के नीचे आपको नाम दिखेगा, तो नाम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके गैलरी का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आप जहाँ पे अपना फोटो रखे रहेंगे वहाँ से आप उस फोटो को ले सकते हैं। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर रखा है तो यहाँ से मैं फोटो को चूज कर लेता हूँ। उसके करने के बाद आपको थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है और एरो पे क्लिक करके इस तरह से कटे हुए भाग को इस तरह से कर देना, ठीक है। और दोस्तों जहाँ जहाँ बीट है सभी पे आपको फोटो ऐड कर देना है। मैं कैसे बड़ा फट से वीडियो ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो का जो लेंथ है बहुत ही लंबा हो। तो बीट के हिसाब से आपको सभी जगह पे फोटो ऐड कर देना है। मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है, आपको भी कुछ इस तरह से ऐड कर देना है। उसके बाद अगर इस पर इफेक्ट लगाना है तो इफेक्ट कैसे कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बैक करना है और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा न्यू सैक। देखिए इसके इसको लेने के बाद आपको सबसे पहला वाला जो फोटो इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर जाना है, थ्रेड पर क्लिक करना है, इस तरह से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है बैक करके, बैक करने के बाद आ जाना अपने बीट मार्क में। और यहाँ पर गाइस जब स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सब जगह पे नाम, तो जैसे जैसे है वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहले वन लिखा है तो उसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पे हमारा वही इफेक्ट लगेगा। तो फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देने देना, ठीक है। तो यहाँ पर जितने फोटो है सभी पे हमको कर देना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद गाइस आप देख सकते हैं मैंने करके रखा है, ठीक है। तो आपको सबसे अब स्क्रॉल करके थोड़ा सा आ गया ना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा दो नंबर, ठीक है। तो आपको बैक करना है और आना अपने सैक इफेक्ट में, और गाइस यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो दूसरा फोटो ये है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, रिफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके इस तरह से कॉपी करना है, ठीक है। गाइस कॉपी करने के बाद आना अपने बीट मार्क में, ठीक है। दोस्तों बीट मार्क में आ जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा दो नंबर, तो दो नंबर के ऊपर जो फोटो रहेगा इस फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर से गाइस फिर से आपको आ गया ना, यहाँ पर दिख जाएगा आपको तीन नंबर। तो आप बैक करना है और अपने सैक इफेक्ट में जाना है और यहाँ से आपको दिख जाएगा तीसरा फोटो, ठीक है। तो दोस्तों आपको तीसरे फोटो पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके इस तरह से कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है अपने न्यू बीट मार्क में, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा जिस स्क्रॉल करके जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा तीन नंबर, ठीक है। तो तीन नंबर के ऊपर जो फोटो रहेगा इस फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर से आपको एरो पर क्लिक करना है और नेक्स्ट सैक इफेक्ट में आना और थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा इस चार नंबर फोटो, ठीक है। यहाँ पर जो चौथा वाला फोटो है, ठीक है, तो आपको चौथे वाले फोटो पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके इस तरह से कॉपी कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले गाइस आपको जो आपका बीट मार्क है ना उसको आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको देख लेना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा तीसरा हो गया, अब दूसरा बाकी है, ठीक है। दूसरा हमारा ये है, ठीक है। तो दूसरा के ऊपर जो फोटो है हमारा इस पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, थर्ड पर क्लिक करके सबसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पर आपको दो दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोटो होगा इस पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके इस तरह से हम लगा देंगे, ठीक है।
तो गाइस इतना हो जाने के बाद फिर से एपिसोड करके आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको दी जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर वाला इफेक्ट कैसे लगाना वो मैं आपको बताता हूँ, उसके पहले बैक करना है और यहाँ पर आपको करना है न्यू साइक इफेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दी जाएगा 4th वाला जो है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्रेड पर क्लिक करके सबसे कॉपी कर लेना, ठीक है। गाइस कॉपी करने के बाद अपने सॉन्ग बीट मार्क में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा आपको आगे आना है, इसको जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दी जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर के ऊपर जितने भी फोटो होंगे सब पे हमारा 4 नंबर इफेक्ट लगेगा। तो फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा आपको आगे आना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका 4 नंबर वाला फोटो है, ठीक है। तो आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। दोस्तों इतना हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आना है जहाँ तक हमारा 4 नंबर गया है, ठीक है। तो हमारा 4 नंबर कहाँ तक है आप देख सकते हैं गाइस, हमारा जो 4 नंबर वाला इफेक्ट है वो 11:20 तक है, ठीक है। तो 11:20 तक आपको 4 नंबर वाला पूरा इफेक्ट इसी तरह से लगा देना है। इतना हो जाने के बाद आपको आगे आना है, तो यहाँ पर आप 11:20 पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस 5 नंबर। तो आपको बैक करना है, ठीक है, और बैक करके अपने न्यू साइक इफेक्ट में जाना है। और गाइस 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वाला फोटो दिख रहा है। तो इस फोटो पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके, थ्रेड पर क्लिक करके इस तरह से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद आ जाना अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट में, ठीक है। बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको स्क्रॉल करके आगे आना है जहाँ तक आपने छोड़ा था, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पर छोड़ा था 11:20 तक, तो यहाँ पर दिख रहा है 5 नंबर। तो इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पे हमारा यही इफेक्ट लगेगा। तो इस फोटो पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देंगे। फोटो पे क्लिक करके, इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देंगे। फोटो पे क्लिक करके, इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप 12:14 पर जब आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा 2 नंबर वाला इफेक्ट। तो आपको बैक करना है, अपने साइक इफेक्ट में जाना है और यहाँ से आपको दिया जाएगा 2 वाला फोटो। तो दूसरे फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से कॉपी कर लेना है। आप चाहे तो अपने जो बीट मार्क में किए हैं वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना खुश जाने के बाद आपको थोड़ा सा और आगे आना है और गाइस इसको के जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देख लीजिए यह भी हो गया आपका बचा 2 नंबर वाला, ठीक है। तो 2 नंबर वाला ऊपर जितने भी फोटो होंगे सब पे हमारा वही लगेगा, तो हमारा सिर्फ एक ही फोटो है। तो फोटो पे क्लिक करके, इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको के नीचे आना, यहाँ पर आपको दी जाएगा 5 नंबर। तो फिर से आपको बैक करना है और अपने साइक इफेक्ट में आना है, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर दिख रहा है 5वां फोटो। तो फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से कॉपी कर लेना, ठीक है। गाइस कॉपी करने के बाद अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना है, ठीक है। और गाइस बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आना है जहाँ तक आपने छोड़ा था, ठीक है। तो हमने यहाँ गाइस यहाँ तक छोड़ा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको दिख जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर छोड़ा है, ठीक है। तो आपको इस फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देना, ठीक है। हमारा ये हो गया। आप 14:29 पे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 5वां नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा था 5 नंबर ये कॉपी किया है, ठीक है। तो आपको इसी को उठा करके आपको कर देना, नहीं तो आप डायरेक्ट इफेक्ट में से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करके रखा हुआ है इसमें, तो तरीके से मैं 5वां वाला कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इतना हो जाने के बाद गाइस 5वां वाला इफेक्ट भी लगाना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 नंबर, ठीक है। तो आपको बैक करना है, अपने साइक इफेक्ट में आना है और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वां फोटो है। तो इस फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके इस तरह से कॉपी कर लेना है, ठीक है। गाइस कॉपी करने के बाद आ जाना है अपने साइक इफेक्ट में, ठीक है, सॉरी बीट मार्क में। आपको स्क्रॉल करके आगे आना है, ठीक है। इसको के जब आप आगे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 5 नंबर जहाँ से आपने छोड़ा था, ठीक है। तो आपका 5 नंबर ये है, देखिए, ठीक है। आप 2 नंबर भी लगा दिए फिर आपका 5 नंबर है, ठीक है। तो 5 नंबर वाला आप कॉपी करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपने कॉपी किया 5 नंबर वाला, ये फोटो पर क्लिक करके, इफेक्ट पर क्लिक करके, थ्रेड पर क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देंगे। फिर फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके, थ्रेड पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जितने फोटो होंगे सभी पर हमारा यही वाला इफेक्ट लगने वाला है। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद, ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर इफेक्ट लगाने के लिए फिर से आपको बैक करना पड़ेगा और यहाँ से आपको अपने साइक इफेक्ट में आना है। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर दिख रहा है। तो आपको फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके, थ्रेड पर क्लिक करके इस तरह से आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। गाइस कॉपी करने के बाद आ जाना है अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो दोस्तों बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आना है जहाँ तक आपने छोड़ा था, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ तक है। देखिए हमारा ये 4 नंबर हो गया, ठीक है। अब ऐसे आप देख सकते हैं हमने 4 नंबर भी फिर लगा दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दीजिए 5 नंबर। तो 5 नंबर हमने अभी यही पे लगाया था, तो हमको इसकी वजह ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है फोटो पर क्लिक करके इस, ठीक है। इस तरह से कॉपी कर लेने के बाद अब आपको थोड़ा सा आगे आना है और यहाँ पर अगर ऐसे आपको दिख जाएगा 5 नंबर, जो कि मैं नीचे नंबर नहीं लिख के रखा हूँ। तो इसके ऊपर जो फोटो है, इसके ऊपर जो फोटो है, इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। फिर से इस फोटो पे क्लिक करके, इफेक्ट पे क्लिक करके, थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट। गाइस आप देख सकते हैं हमने इस हिसाब से कर दिया। फिर से आपका बचता है 6वां वाला इफेक्ट, ठीक है। तो आपको बैक करना है, 1 2 3 4 5 6। तो
तुम्हारा छठ वाला इफेक्ट लगाना है तो फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके इस तरह से कॉपी कर देना है, ठीक है। और अपने बीट मार्क में आ जाना है, ठीक है। और गाइस बीट मार्क में आ जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ आप क्या करना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप जब देख लेंगे लास्ट वाला जो हमारा है छः वाला जो है कि यहाँ से स्टार्ट होता है यानी कि 15:08 से, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा जो हमने अभी कॉपी किया, ठीक है। तो फोटो पे क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं इतना धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देना है। एंड दोस्तों ये जो छठ वाला इफेक्ट है ना सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में आके आप सभी जगह पर जैसे मैंने लिखा हूँ ऐसे आपको इफेक्ट लगा देना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। इस तो इसे डाउनलोड करने का भी प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तब उसे चेकआउट करके आप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस जो सेटिंग के बगल में आपको बॉक्स बना है इसको क्लिक करके इसको आपको एक साथ एक्सपोर्ट कर देना है, ये आपका मात्र 2 से 3 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपका आज वीडियो पसंद आएगा। इस पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और प्यार से इंटरेस्टिंग में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।